Good morning, dear students. Welcome back in Business Studies class. In today's session, we are going to discuss the principles of management. In this session, we are going to discuss the concept, nature, and significance of principles of management. What is the meaning of principles of management? Principles of management are fundamental truths which act as a general guidelines for taking managerial decision and actions, and it is stated in the form of cause and effect relationship. Dear students, jitne bhi principles hote hain, wo sabhi principles ek general guidelines hote hain, जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं. सेम वही कंसेप्ट यहाँ रहेगा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक फंडामेंटल ट्रूथ है. फंडामेंटल ट्रूथ का मीनिंग कि वो यूनिवर्सल है, हर जगह पर सेम जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स के लिए फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स को जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें किस तरह के मैनेजीरियल डिसीजन लेने चाहिए. और ये जो मैनेजीरियल डिसीजन मैनेजर्स लेंगे, उनके बीच में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप होगी. कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप का मतलब है बेटा कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते हो, तो मैनेजर्स को पहले से ही पता लग जाएगा कि इस सिचुएशन में हम जो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके हमें क्या रिजल्ट फ्यूचर में मिलेंगे. ये सब जो रिजल्ट फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसके बेस पे ही मैनेजर्स जो हैं एक्शंस करते हैं, जनरल डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं. तो इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स की बहुत हेल्प करते हैं कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्सेज का, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें, पॉलिसीज बना सकें, रूल रेगुलेशन सेट कर सकें. विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो सक्सेस रेट अचीव नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं. तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सभी ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो करती हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं. नाउ कम टू द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे नॉन बिजनेस से रिलेटेड, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, हर जगह पर हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं. एग्जाम्पल लेके हम इसे क्लियर करेंगे. हमारा एक प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क का. डिविजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं बेटा कि हम अपने टोटल टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और स्मॉल पार्ट्स में जो एक्टिविटीज डिवाइड हुई हैं उन एक्टिविटीज को हम स्पेशलिस्ट को हैंड ओवर कर देते हैं. वो स्पेशलिस्ट उन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से करते हैं और ऑटोमेटिक रिजल्ट्स क्या आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क हमें क्या बताता है कि चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सभी को क्या करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए. आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो, स्कूल में भी क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है. प्रिंसिपल मैम अपना काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, पीएम्स अपना काम कर रहे हैं, ठीक है. सभी लोगों को काम बटा हुआ है उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग. आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टीचर है, ठीक है, उस सब्जेक्ट टीचर को उसी स्पेशल सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. तो इसी तरह से बिजनेस में भी हमारे पास क्या है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं वहां भी क्या होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं. एक्सपर्ट्स अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या हो सके, हायर हो सके. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे लिए जनरल गाइडलाइंस होते हैं. ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि हमने ये एक प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं, ठीक है. ये जनरल गाइडलाइंस हैं. ये जनरल गाइडलाइंस क्यों हैं हमारे लिए, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स पे इम्प्लीमेंट होनी है, और ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या होता है, एवरी सिचुएशन वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. हर टाइम एक ह्यूमन बीइंग जो है अलग बिहेवियर के साथ वो डील करता है, ठीक है. तो बेटे आप ये समझो कि एग्जांपल लेते हैं हम इसको और समझने के लिए,
कि जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उन्हीं में से मैंने एक एग्जांपल पिक किया है। एक प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल हमें क्या कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को लंबे टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए। बार बार अपने एम्प्लॉइज को आप चेंज नहीं करो, क्योंकि अगर आप चेंज करोगे तो आपको न्यू एम्प्लॉइज को एक्सपर्ट करने में, ट्रेंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब अगर आपने ये बात अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट की, मीन्स ये प्रिंसिपल आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड रखना बहुत मुश्किल है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन 1 ईयर के लिए अपने एम्प्लॉइज को रखेंगी, 6 मंथ्स के लिए रखेंगी, 6 ईयर्स के लिए रखेंगी। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पर अपना टाइम पीरियड डिसाइड करेंगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन 2 ईयर्स का कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 ईयर्स का कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ्स का कर रही है, कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक अपने एम्प्लॉइज को होल्ड रखना है, ताकि हम एक ट्रेंड एम्प्लॉय को बार बार खोए नहीं। ठीक है, हमारी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होती रहे लगातार। वो कब हो सकती है? जब हमारे पास पुराने एम्प्लॉइज काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के सब सिस्टम्स का पता होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेटा एक जनरल गाइडलाइंस हैं, ये कोई रिजिड नहीं है हमारे लिए, ये हमें कोई रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। थर्ड वन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं बेटा, बहुत प्रैक्टिस, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इनके ऊपर डीप और थोरो रिसर्च वर्क हुआ है जिसके बाद इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है, उसे बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक उसमें उस पर काम किया गया, उस पर रिसर्च किया गया कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर किया जाता है तो स्पेशलिस्ट जो हैं उन एक्टिविटीज को करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, तभी उस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं। प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसी तरह से अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉरी फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ठीक है, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को देखते हुए इनमें क्या ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेनली बिहेवियरल। जैसा कि मैंने आपको बेटा पहले भी बताया कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होने हैं। ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉइज के साथ किस तरह से ट्रीट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में किस तरह से हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स। ठीक है, एक प्रिंसिपल जो फ्योल ने प्रपाउंड किया, ठीक है, उस प्रिंसिपल में हमें क्या कहा गया कि हमें आई के प्लेस पर वी को रिप्लेस करना है। ठीक है, यानी कि हमें टीम वर्क में काम करना है। जो भी काम हम करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये काम किया। ठीक है, आई का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, वी का यूज करना है कि हम सब ने ये काम किया। जब हम सब मिलकर ये काम करते हैं तो वो टीम वर्क हो जाता है। ठीक है, अब हमें अपने एम्प्लॉइज के नेचर को जज करते हुए ये डिसीजन लेना है कि क्या हमारे एम्प्लॉइज टीम में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कुछ एम्प्लॉइज टीम में काम नहीं कर सकते हैं तो आप वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क कर दीजिए, काम को डिवाइड कर दीजिए, सभी अपना अपना काम करेंगे। अगर स्पिरिटी कॉप्स का प्रिंसिपल आपके एम्प्लॉइज के ऊपर 100% फिट बैठता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए कि सभी टीम में काम करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जब हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिस्कस किया, वहां इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर दोबारा से डिस्कस करूंगी बेटा यहाँ कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने से फ्यूचर में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे,
इसका हमें पहले से ही पता होता है, लेकिन वो रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे इम्प्लीमेंट होने हैं? ह्यूमन बींग्स पर, और ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर चेंज होता रहता है। इस वजह से हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज रिजल्ट मिलेंगे आपको, नहीं। ठीक है, आपने डिविजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि आप अपनी टोटल टास्क को स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड कर रहे हो और हर एक्टिविटी किसे हैंड ओवर हो रही है, एक स्पेशलिस्ट को हैंड ओवर हो रही है। अब एक स्पेशलिस्ट जब उस एक्टिविटी को करेगा तो बच्चे हम ये सोच ही सकते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे। लास्ट वन इज कंटिजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की सिचुएशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर किस तरह का है, वहां किस तरह के प्रिंसिपल जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हमें उन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। जरूरी नहीं है कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो एज इट इज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, स्पिरिट डी कॉप्स हमें क्या कहता है, टीम में काम करो, आई के प्लेस पर किसका यूज करो, वी का। लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर इस तरह का है कि वहां पर टीम वर्क हो ही नहीं सकता, वहां पर तो डिविजन ऑफ वर्क ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो हम उसे ही फॉलो करेंगे। तो आपको ये देखना है कंटिजेंट में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर किस तरह का है, तो आप किस प्रिंसिपल को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा फिट मानते हो उसे ही आप क्या करोगे, ऑप्ट करोगे। बच्चे दीज आर द मेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। अब देखो जनरल गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस क्या करती हैं, मैनेजर्स की हेल्प करती हैं क्या करने में, डिसीजन लेने में। मैनेजर्स को जनरल गाइडलाइंस हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में। जब वो बार बार डिसीजन लेते हैं गाइडलाइंस की हेल्प से, तो उनकी नॉलेज, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी एबिलिटी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती है कि अलग अलग सिचुएशंस में उन्हें अलग अलग किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। सेकेंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें ये पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों जब तक इकट्ठे काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट प्रॉफिट्स की तरफ नहीं ले जा सकते। तो अब हमने ह्यूमन बीइंग्स का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और मटेरियल रिसोर्सेज का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तभी हमें प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और वो बेनिफिट्स हम कब उठा सकते हैं, जब हमारी वेस्टेज क्या हो, मिनिमम हो, हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो, हमारे रिसोर्सेज भी कम वेस्ट हो। ठीक है, और रिसोर्सेज में हम दोनों लेंगे, हमारे ह्यूमन बीइंग भी अपनी फुल कैपेसिटी का काम करें, यानी कि कोई अपनी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं करें, हमारा जो मटेरियल है उसकी भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनमें डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस हैं। हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने लेबर को प्रॉपर गाइडलाइंस दें ताकि हम रिसोर्सेज का क्या कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। सभी को पता है कि मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं डेली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैनेजर्स को फेस करनी पड़ती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजर्स को क्या लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। और वो डिसीजन किस बेस पर ले पाते हैं, जनरल गाइडलाइंस के बेस पर, और वो गाइडलाइंस उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब आपको ये बात पता है कि हमारे जो बिजनेस का एनवायरमेंट है वो डेली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उस चेंजिंग एनवायरमेंट में काम किसको करना है, मैनेजर्स को। और मैनेजर्स को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से वो चेंजिंग एनवायरमेंट में काम करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को किस तरह से डायरेक्शंस देंगे, ठीक है, ताकि वो एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव कर सके। पर्टिकुलर लेवल क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अगर आपको
हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करने हैं तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसे फॉलो करना होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन करना बेटा किसका काम है? टॉप लेवल का। एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज ए गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको सबको? क्या मीनिंग बताया मैंने आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एडमिनिस्ट्रेशन किसको करना है? टॉप लेवल को। अब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टॉप लेवल को क्या बनानी है? प्लान्स और पॉलिसीज। और प्लान्स और पॉलिसीज किसके बेस पे बनेंगी? जनरल गाइडलाइंस के बेस पे। और वो जनरल गाइडलाइंस कहाँ से आ रही हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आ रही हैं। एग्जाम्पल लो, दो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, यूनिटी ऑफ कमांड का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताता है? कि हमें एक पर्टिकुलर टीम को ही कमांड करना है। ये नहीं कि आपको बहुत सारे जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको कमांड करते रहेंगे, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर सीनियर ही कमांड करेगा। जो भी आपको ऑर्डर्स देगा वो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, यानी कि आपको पता होगा कि आपका सीनियर कौन है, आपको कमांड कौन करेगा। ये प्रिंसिपल बना एक प्रिंसिपल ऑफ कमांड का। ठीक है, और इसी तरह से एक और प्रिंसिपल बना प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बताता है? कि हमें किस तरह से अपने सबोर्डिनेट्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है। अब कमांड और डायरेक्शन जैसे प्रिंसिपल्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रहेगा? बहुत ही प्रॉपर रहेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है तो उस सिचुएशन में हमारे प्रॉफिट्स जो क्या रहेंगे? हाईएस्ट रहेंगे। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस हमें कहां से मिल रहा है? सोसाइटी से मिल रहा है। तो हर बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को भी सेटिस्फाइड रखे। सोसाइटी के लिए उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर बियर करें। एग्जाम्पल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का। अब प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन हमें ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉई आपके पास काम कर रहा है, जितनी कैपेसिटी का काम आप उससे ले रहे हो, उसे उतनी ही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी का आप पेमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि आपके पास टू एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए आपके रिलेटिव हैं, आप उनको जो है ज्यादा सैलरी पे करते हो, और मिस्टर बी जो है जनरल पब्लिक से आपने ऐसे सेलेक्ट किया हुआ एम्प्लॉई है, ठीक है, वो आपका रिलेटिव नहीं है, उसको आप कम सैलरी पे करते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करोगे तो मिस्टर बी क्या करेंगे? अच्छा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि हम दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, लेकिन हमारी सैलरी में क्या है डिफरेंस? क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि मिस्टर ए क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ है उसके रिलेटिव है। ठीक है, तो इस केस में आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन को फॉलो करो, ताकि सभी एम्प्लॉइज क्या रहें? सेटिस्फाइड रहें। जो जितना काम कर रहा है उसके बदले में उसे उतना ही रेम्यूनरेशन, उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। यानी कि जो आप सैलरी पे करो वो किसके बेस पे करो? उनके टास्क के बेस पे करो, उनकी एक्टिविटीज के बेस पे करो, ना कि अपने पर्सनल रिलेशंस के बेस पे करो। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम किसके बेस पे कर पा रहे हैं? प्रिंसिपल्स के बेस पे कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बेस पे कर पा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे बच्चे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एज ए रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट एज ए बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो प्रिंसिपल्स ऐसे ही प्रपाउंड नहीं किए गए हैं। उन प्रिंसिपल्स को प्रपाउंड किया गया किसके बेस पर? साइंटिफिक जजमेंट के बेस पर, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर। अब जब ये सब कुछ हो रहा है, जहां पर जजमेंट्स आ रही हैं, थिंकिंग्स आ रही हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ रहा है? रिसर्च आ रहा है। जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग जैसे फैक्टर किसके साथ अटैच हैं? रिसर्च के साथ अटैच हैं, क्योंकि इनके लिए हमने क्या किया है? प्रॉपर नॉलेज जो है हमारे पास थी इन सबसे रिलेटेड, यानी कि साइंटिफिक जजमेंट, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज थी, जिसके ऊपर हमने रिसर्च वर्क किया। ठीक है, न्यू न्यू आइडियाज जनरेट किए, बहुत सारी इमेजिनेशंस ली,
और मतलब हमने फाइनली मैनेजमेंट के ऊपर क्या किया बेटा, रिसर्च किया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, दीज एक्ट एज ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ाते हैं, जैसे आपके क्लास 12th के करिकुलम में भी क्या है, ये बिजनेस स्टडी किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। आगे आप हायर कोर्सेज में यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज में जब आप एंटर करोगे, BBA MBA, ठीक है, तो वहां पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपके करिकुलम का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च का एक पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ट्रेनिंग और एजुकेशन में लिया गया, किसकी हेल्प से लिया गया, करिकुलम की हेल्प से लिया गया। रिसर्च किया गया इसके ऊपर, रिसर्च किस बेस पे किया गया, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो आपको स्ट्रेस देते हैं किसके ऊपर, साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। जब आप किसी चीज की जजमेंट कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, तब वो किस बेस पर हो रही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट की एक स्पेशल नॉलेज है, उसके एक न्यू आइडियाज हैं। ठीक है, बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं जिनके ऊपर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। बच्चे दीज ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।